सॉर्टिंग के बारे में बताया जाएगा। लेकिन सॉर्टिंग क्या होती है कि आपने कोई भी जैसे सीक्वेंस में चीज़ लिखनी हो, आप लाइक आपके पास एक नंबर ऑफ एरे है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन वो सॉर्टिंग उसमें नहीं है, ठीक है, सॉर्टिंग मैनर में नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक बबल सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, हिप सॉर्ट हो गया, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी मैं आज आपको मर्ज सॉर्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो मर्ज सॉर्ट है वो बेसिकली इसके दो, यानी आप कह लें इसके फंडामेंटल्स होते हैं, काम करते हैं कि जिन पे ये मकसद डिपेंड करके काम कर रहा था। एक होता है डिवाइड, एक होता है कॉन्क्यूर, ठीक है। तो जो भी आपका एरे ऑफ एलिमेंट होगा उसको ये डिवाइड करेगा, देन उसको वापसी कंक्यूर करेगा, ठीक है। देखिए आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा, एक ऊपर एरे 4260, ठीक है। इसने क्या किया, जब ये मर्ज सॉर्ट हम इस पे लगाएंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो जो हमारा मेन एरे होगा उसको डिवाइड करेगा, ठीक है, उसको ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो ये क्या हुआ, 4-2 एक जगह आ गया और 6-0 एक जगह आ गया। अब ये क्या करेगा, अब फर्दर इसको 4-2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट बन, वो एरे बन गया, ये एरे बन गया सपोज। तो अब ये क्या करेगा, इनको भी डिवाइड करेगा। तो अब इनको जब डिवाइड करेगा तो देखें 4 अलग हो गया और 2 अलग हो गया, इस तरह यहाँ पर 6 अलग हो गया और 0 अलग हो गया। अब जब इन्हें कॉन्क्योर करेगा, मर्ज करेगा, तो अब जब ये वापसी कॉन्क्योर करेगा तो जब चेक करेगा कि भाई 2 जो है 4 से छोटा है, तो क्या करेगा, ये 2 को पहले कर देगा, ठीक है। इसी तरह देखें 6-0 लिखा हुआ था, तो अब इसने क्या किया, यहाँ पर 6 पहले कर दिया और 6 को एंड में कर दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ भी वैल्यू स्वाइप कर दी इसके असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से, और यहाँ भी इसने असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से स्वाइप कर दी। तो यहाँ पर देखें 4-2 लिखा हुआ था तो इसने 2-4 कर दिया, और यहाँ पर 6-0 लिखा हुआ था तो इसने 0-6 कर दिया। अब जब ये एंड में फाइनलाइज इसको जब कंक्योर करने जाता है तो यहाँ भी ये चेक करता है। अब ये दो एलिमेंट हो गए, ये एक हो गया इसकी नज़र में, ये इसकी नज़र में एक हो गया। तो अब ये क्या करेगा, अब इन दोनों में चेक करेगा कि भाई इसमें क्या क्या मकसद जो है। तो अब ये इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसने पहले 0 दिया। फिर इसको छोटी वैल्यू क्या मिली, 2 मिला, तो इसने 2 राइट किया। फिर इसको छोटी वैल्यू क्या मिली, 4 मिला, तो इसने 4 राइट कर दिया। फिर उसके बाद इसको क्या मिला, 6 मिला, तो इसने 6 को राइट कर दिया। तो ये तरीका है एल्गोरिथम मर्ज का, कि ये किस तरीके से इसके जो वर्किंग है वो किस तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये मर्ज एल्गोरिथम, मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है टास्क, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बाय प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपने मुझे बताना है कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद और ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूं। और जो भी आपको प्रैक्टिकली या वैसे नॉलेज बेस आपको कुछ भी थ्योरेटिकली सवाल करना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ इसको प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।